महीने से मैं पहाड़ को फिर रहा हूँ ये बाबू है। और ये जो है अब ये चीज को आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे खयूम साहब इसके ऊपर? नहीं तो नया है पुराना रहो, मगर ये तो रहना नहीं चाहिए ना खयूम भाई। रहना नहीं चाहिए बोल तो इट विल बी टुक आउट दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। अगर ऐसा डिसाइड करते फिर कम्युनल प्रॉब्लम पर तो अपन क्या करेंगे? ऐसे आए दिन बनते जाएंगे मंदिर तो उसको कम्युनल प्रॉब्लम बोल के रख देंगे। अरे हाउ जी तो एक नहीं कई मंदिर यहाँ बनते गए। एफआईआर करा मेरे नाम से करा एफआईआर में ये और एक एफआईआर कराना पड़ता फिर इसको फिर भी पत्थर फोड़ रहा बोल के। हाँ अय्या समूह ले दू माँ अय्या समूह ले दी तेलंगाना सिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी ने 4 फरवरी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन साहब से नुमाइंदगी की थी कि कोहे इमाम जामीन के पहाड़ पर जो इलीगैलिटीज हो रहे हैं, जो गैर कानूनी काम हो रहे थे, उसके बारे में नुमाइंदगी किए थे कि ताकि वहाँ पे सर्वे कराएं। और 6 फरवरी मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा जो शिया रुकन वक्फ बोर्ड है उन्हें भी जाकर हम कमेटी के सारे मेंबरान उनसे भी जो है नुमाइंदगी किए थे ताकि जो है वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को वहाँ पे डिप्यूट किया जाए वहाँ के इलीगैलिटीज़ को की रोकथाम के लिए गुजारिश किए थे। जनाब मौलाना हैदर हुसैन आगा साहब ने हमें तहखुन दिया था कमेटी को कि मैं जल्द इसके ऊपर जो है कार्रवाई करूंगा और उनकी हिदायत पर आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के आला अहदेदार कोहिमामे जामीन के पहाड़ पर जो इलीगैलिटी हो रहे थे उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ मैं सदर तेलंगाना शिया वेलफेयर कमेटी और जनाब अजमल हुसैन जाफरी साहब जनरल सेक्रेटरी और जनाब नैयर हुसैन साहब जॉइंट सेक्रेटरी ने उनके साथ मिलकर वहाँ पर जायज़ा लिया और सारे इलीगैलिटीज़ के ताल्लुक से उनसे उन्हें वाकिफ करवाया वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को। और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने भी बताया कि जो है जो वहाँ पे इलीगैलिटीज़ हो रहे थे इनसे पहले भी एक कंप्लेंट दर्ज किया गया था, एफआईआर भी हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था केस, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ था वो आज़ाद फिर रहा है। तो हमने फौरी वक्त पे आते अहदेदारों से कहा कि फौरी आप जो है फिर से नुमाइंदगी करें, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें, यहाँ पे जो इलीगैलिटीज़ जो हो रही है वो एक ही शख्स है जिसका नाम है नरसिम्हा, वो आज़ाद फिर रहा है, उसके ऊपर जो है संगीन दफात दर्ज करने के बावजूद भी वो आज़ाद फिर रहा है। तो हम इस ज़मन में मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब जो शिया रुकन वक्फ बोर्ड है उनका बेहद मशहूर है तेलंगाना शिया डेवलपमेंट कमेटी, उनके हम बेहद मशहूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि हमने जो याददाश्त की गई थी पेश किए थे उस पर मजीद कार्रवाई हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।